अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं होने 7C का रिव्यू करने लगा हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको इस मोबाइल के बारे में पूरी डिटेल के साथ है ना तफसील के साथ कहूँगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कि इस इस्तेमाल के लिहाज से कैसा मोबाइल है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करें की जाए तो इसकी स्क्रीन का साइज़ 5.99 है और इसके बैक की बात की जाए तो है इसकी बॉडी बैक में मेटल की बनी हुई है, पूरे मेटल की थी बनी हुई मेटेलिक बॉडी मेटेलिक शेड की है ना इसकी बॉडी है। और अगर मेटल की बनाई जाए तो वज़न इसका ज़्यादा हो जाएगा और इससे इन्होंने मेटेलिक शेड की बनाई है और जो इसकी साइडें हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई है। और इसके बैक कैमरे की बात की जाए तो इसके बैक कैमरे में ड्यूल कैमरा लगा हुआ है, दो कैमरा है, एक 13 मेगापिक्सल कैमरा है और दूसरा 2 मेगापिक्सल कैमरा है। ड्यूल कैमरे का मकसद ये होता है कि अगर आप तस्वीर बना रहे हैं तो जो आपका बैकग्राउंड होगा वो ब्लर हो जाएगा। ये तो सिंगल कैमरे से भी किया जा सकता है जो, और इसके डबल कैमरे का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप एक तस्वीर बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप फोकस करके तस्वीर बनाते हैं, बाद में आपका मूड चेंज हो जाता है, आप चाहते हैं कि मैं किसी बैकग्राउंड में किसी भी चीज़ पर फोकस करूँ तो दूसरा कैमरा आपको एक बड़ा फ्यूचर प्रोवाइड करते हैं। जो इसके फ्रंट कैमरे की अगर बात की जाए तो इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि फेस लॉक का भी प्रोवाइड करता है, इससे फेस लॉक भी है जो कि। और इसके साथ है ना फ्लैश लाइट भी है, फ्रंट में भी फ्लैश लाइट है, इसके बैक में भी फ्लैश लाइट है और बहुत ही है ना परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छा मोबाइल है। अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो जो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है 450 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसका लगा हुआ है 450 का, बहुत ही है ना कमाल का प्रोसेसर लगा हुआ है। जो दूसरे मोबाइल है उसमें 430 का प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो 8.0 का ओरियो का इसका वर्जन है। और अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए तो इसमें हर किस्म का आपको फ्यूचर मिल जाता है। और इसके अगर प्राइस की हम बात करें तो इसकी प्राइस आपको है ना 23,000 तक मिल जाती है, पाकिस्तानी प्राइस 23-24,000 तक। अगर आप होलसेल की शॉप से लेते हैं तो आपको 23,000 तक मिल जाती है, जो इसकी कंपनी की आप प्राइस हो गया 25,000 हो गया, जो पिछले साल 2018 में जो प्राइस थी इसकी वो 20,000 तक आसानी से मिल जाता था। जो अभी मैंने लिया तो ये मुझे 23,000 का नया मिला होलसेल की शॉप से। और अगर हम इसके बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी 3000 mAh है जो कि एक दिन आसानी से आपका गुजर जाता है नेट पर। और अगर इसकी वेट की हम बात करें तो इसके अंदर जो वेट इस मोबाइल का जो वेट है वो 164 ग्राम है। और इसकी सीरीज की बात की जाए तो इसकी सीरीज में है ना चार्जर जो होता है वो आपको 1 MPA का देखने को मिलता है, जो कि आपको 1 MPA के साथ केबल भी मिलती है और ये फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करता है, लेकिन आपको इसके साथ स्लो चार्जर मिला हुआ है 1 MPA का। पता ही इन्होंने 1 MPA का चार्जर क्यों रखा हुआ है, इसके साथ आप फास्ट चार्जर भी इसका प्रोसेसर फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करता है। और ये थी होने 7C का रिव्यू। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप दुआओं में याद रखें। अल्लाह।